lecture for my students, for my viewers. Um, as you know that we have started the lecture on the economics and then we have the level two lecture. it was a very, very basic lecture that what is the economics and what are the important terms that will be used in economics to learn, to understand the future terms, future understanding of the economics. lecture uh, this is the very, very fundamental concept of the utility what is the utility and as the classification of the economics uh, microeconomics and macroeconomics this is a very very important concept of the utility of the macroeconomics goods are desired they have some utility so this is a very important line to we have to understand it actually the every consumer every uh, person wants goods and service why because they have some utility hum, अपनी जिंदगी के जिंदगी के अंदर डेली लाइफ में डेली कुछ ना तो कुछ चीज़ चाहते हैं डेफिनेटली आई एम वेयरिंग दिस शर्ट आई एम आई हैव दिस वॉच एंड देन आई हैव दिस मार्कर एंड दिस इज़ द बोर्ड दैट आई एम यूजिंग सो दीज आर सम मैंने ये गुड्स परचेज की अपने इस्तेमाल में लाया ना आई एम कंज्यूमिंग इट बिकॉज आफ्टर कंजम्शन वी आर टेकिंग वी आर गैटिंग सम यूटिलिटी डेट्स मीन वट इज़ द यूटिलिटी बेसिकली यूटिलिटी इज द सेटिसफैक्शन जब भी कोई कंज्यूमर जब भी कोई बंदा कोई गुड या कोई सर्विस यूज़ करता है तो उसको सेटिसफैक्शन हासिल होती है सो वी हैव डिजायर एंड वी हैव टू यूटिलाइज बिकॉज आफ्टर यूटिलाइजेशन आफ्टर कंजम्पन ऑफ डैट पर्टिकुलर गुड और सर्विस वी विल गेट सम यूटिलिटी हम सेटिसफेक्शन हो गए को मजीद लिबरेट करते हैं क्या चीज़ है यूटिलिटी इज द डेट अ कंज्यूमर गेट आफ्टर कंजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस तो कोई भी चीज़ हम यूज़ करेंगे उसके नतीजे में जो सेटिसफेक्शन मिले दैट इज कार्ड द यूटिलिटी नाउ वी फर्दर गो फॉर द कन्सेप्ट ऑफ द यूटिलिटी द यूटिलिटी ऑफ द गुड आर सर्विस इज ऑलवेज वेलेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लेस और पर्सन Now it is further uh, one step for forward that we will discuss on the utility. You desire I satisfaction. I use this chart and then I'm, I have some good satisfaction on this thing. Uh, definitely, someone has to go. Uh, on picnic and he is uh, using the service of the transportation that's mean uh, he will get he or she will get some utility. Okay. What is the, of the This is the basically subjective concept utility is a subjective concept. What is the meaning of the subjective concept? Basically just satisfaction it will not be determined इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड बाय आ स्पेसिफिक मैथेमेटिकल कैलकुलेशन डेफिनेशन कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि इस चीज़ की इतनी सेटिस्फैक्शन है तो वो यूनिवर्सली इतनी ही है ऐसी कोई इसमें मैथेमेटिकल नहीं है बात क्या है कि जब हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की और हम कहते हैं कि सेटिसफैक्शन हमें हासिल हुई सो सेटिसफैक्शन मीन सो दैक्स क्वेश्चन इज दैट ओके आई एम फीलिंग इज़ गुड इट्स फाइन मुझे भूख लगी थी मुझे खाना खाया मुझे प्यास लगी थी मैंने मुझे एक गिलास पानी पिया सो दैट्स मीन मुझे मैं सेटिसफाई हुआ लेकिन हाउ कैन बी सेट कि मैं क्या सेटिस्फाई हुआ कैसे मैं इसको uh, बयान करूँगा सो इट इज़ एक्सप्लनिंग डैट कि ये आपका जो नरेटिव होगा ये जो एक्सप्लेशन होगी दिस इज़ बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव सो वैन इट इज़ सब्जेक्टिव सो फर्दर इट इज़ एक्सप्लें दैट कि इसके अंदर आप कोई ऐसा फंक्शन या रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर आप ये बोलेंगे कि भाई अगर दिस इज़ द मार्कर एंड आई एम यूजिंग इट सो आई हैव सम यूटिलिटी ओके बट इफ आई एम यूजिंग ऑन टाइम बेसिकली जिसका जो टाइम है उस वक्त मैं, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ या जैसे अब uh, अगर हमारा लंच का टाइम है और मैं लंच कर रहा हूँ तो मुझे उसकी भूख लग रही है तो मैंने खा लिया सो ऑन टाइम सो मुझे उससे एक ग्रेटर नंबर ऑफ सेटिसफेक्शन मिलेगी एंड आई है द लंच एंड आई एम फुल आफ्टर वन आवर आफ्टर टू आवर आफ्टर थ्री आवर देयर इज़ नो एनी टाइम ऑफ लंच और डिनर एंड अगेन सम वन आस मी टू टेक लंच या टू टेक फूड टू तो टेक मील तो मुमकिन है कि मुझे दो घंटे तीन घंटे बाद कुछ भूख का एहसास हो लेकिन सेटिस्फेक्शन जो मेरे उस टाइम थी जो लंच के टाइम थी वो डिफरेंट तो मेन टाइम्स मैटर इसी तरह से अगर आप बिल्कुल अच्छी सी नींद में सो रहे हैं बेहतरीन नींद में सो रहे हैं और अगर आपसे कोई उठा के बोलता है कि ये ये जूस पी लीजिए तो आप बोलेंगे कि देर इज़ नो टाइम टू आस्क दिस थिंग सो टाइम मैटर्स तो आपको उस चीज़ से या तो कोई सेटिस्फेक्शन ना मिले हो सकता है कि और आप उसको लेना नहीं चाहेंगे सो अगेन कुछ चीज़ें आपको यहाँ चाहिए इस प्लेस पे चाहिए मुमकिन है कि वो अगली प्लेस पे आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए हो सकती सो प्लेस अगेन मैटर पर्सन पर्सन टू पर्सन भी यूटिलिटी हाईली वेरिएबिलिटी रखती है सो so, हम इस बात के नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि बेसिकली ऑलवेज वेरिएबल नंबर वन सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नंबर टू अगर ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डेट्स वाई इट इज बींग वेरेबल वन पर्सन इज यूजिंग दिस मार्कर एंड गेटिंग सम स्पेसिफिक यूटिलिटी लेकिन यही मार्कर सेम कंपनी मैं अगर किसी और को दूँ तो हो सकता है उसको उतनी सेटिस्फैक्शन ना मिले जितनी किसी और को मिले उसकी हो सकता है किसी और मार्केट पर ग्रिप हो वो किसी और चीज़ को इसी तरह से ब्रांड्स में आई एम यूजिंग एक्स वाई जी कार कोई भी कार आप अपने जहन में ले आए सो दैट्स मीन मुमकिन है कि जो वो कार जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है वो आपको ना दे सो दैट्स वाई इट इज़ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस पर्सन टू पर्सन The next very important thing is that the utility has no measurement scale, no measurement unit. So, when I take the um, transportation service and I am satisfied from 3 kilometers, so utility cannot measure in kilometers. Yeah, we cannot say that I um, am taking the food. मैंने अच्छा खाना खाया जूस पिया और मुझे तीन के जी यूटिलिटी मिली है नॉट के जी नॉट किलोमीटर नो सो वी कैन नॉट मेजर इन द यूनिट सो फिर अगला क्वेश्चन तो फिर हम इसको कैसे मेजर करें सो नाउ वी हैव टेक टू हेल्प फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव मेजर वी विल हैव टू अलॉट सम्यूम्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एजम्शन ऑन द बेस ऑफ सेटिसफेक्शन ऑन द बेस ऑफ द सब्जेक्टिव स्टडी हम एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट करेंगे जस्ट फॉर द कैलकुलेशन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग डैट के जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें मैथमेटिकली इन इन द क्वांटिफिकेशन सो अनदर थिंग इज़ दैट द जीरो यूटिलिटी मीन्स दैट द कंज्यूमर हैज़ नो डिज़ायर टू कंज्यूम सो मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको कोई रात में बिल्कुल उठा के पूछता है ये जूस पी लें सो वॉट विल हैपन एक्चुअली यू विल नॉट हैव एनी डिज़ायर टू टेक इट तो जब आपको डिजायर नहीं होगा तो डैट्स मीन उसकी यूटिलिटी आपके लिए जीरो होगी तो दैट्स मीन आप उससे कोई सेटिस्फेक्शन लेना नहीं चाहते या आपको उससे नहीं मिलेगी सो जीरो यूटिलिटी मीन डैट कंज्यूमर डज नॉट वांट टू कंज्यूम दी आर द सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट द वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ द यूटिलिटी नाउ वी मूव ऑन ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज इन द इकोनॉमिक्स बेसिकली मार्जिनल मीन दिस इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओके लिसन चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्शन ऑफ वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड और सर्विस सो एडिशनल यूनिट यू आर टेकिंग सो इसको आसानी से समझें एक यूनिट आप ले रहे हैं uh, आप एक कप चाय पी रहे हैं आपको एक स्पेसिफिक सेटिसफेक्शन मिल रही आप एक और कप चाय पी रहे हैं आपको एक और सेटिसफेक्शन मिल रही तो वो भी एक यूटिलिटी थी आपने टोटल यूटिलिटी एक्स आपको यूटिलिटी मिली आपने एक और कप चाय मिली आपको वाई यूटिलिटी मिली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेसिकली वाई और एक्स में रिलेशनशिप क्या है कि एक्स एक यूनिट था उसका एक यूनिट और लिया गया तो आपका वाई बनाया तो वाई माइनस एक्स जब करेंगे तो वो जो डिफरेंस ऑफ यूटिलिटी है वो आपका कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि चेंज द वन मोर एडिशनल सर्विस अब इसको हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं मैंगोज एक बंदा है वो एक भी मैंगो नहीं खाया तो रेफरेंस ने जो कुछ खाया नहीं उसकी यूटिलिटी है ही नहीं फॉर जीरो मैंगो देो तो आफ्टर ईटिंग वो उसकी जो सेटिसफेक्शन बन रही है वो बन रही है पाँच और आफ्टर टू मैंगोस उसकी बन रही है नाइन थ्री टवेल्व फोर मैंगोस ट्वेल्व एंड फाइव मैंगोस टेन सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर नाउ विल डिस्कस द बिहेवियर कि इंसान एक पर्सन कैसे बिहेव करता है चीज़ों की यूटिलाइजेशन में और ये एक बड़ा जनरन बिहेवियर है प्रैक्टिकल बिहेवियर है आप फौरन समझ जाएंगे सो so, वट इज द मार्जिनल यूटिलिटी पहले हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली इज़ मार्जिनलिटी डिफरेंस बिटवीन टू टोटल यूटिलिटीज़ तो एक टोटल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी पांच है एक नौ है एक बारह है तो इनके दरमियान हर बार आप एक एडिशनल यूनिट ले रहे हैं सो so, यहाँ पर आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी बनती है वो पहले की तो कैलकुलेट नहीं हो सकती क्योंकि उससे पहले आपने कोई यूनिट नहीं लिया हुआ आपने जब एक यूनिट लिया तो उससे पहले आपने कोई भी यूनिट नहीं लिया हुआ था तो आप पहले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं वो ये हो सकती है भाई। so कि भाई फाइव माइनस जीरो सो फाइव माइनस जीरो मीन फाइव सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी विल भी कैलकुलेट किया अगले यूनिट पर यूटिलिटी आपने नाइन ली और उससे पुरानी यूटिलिटी फाइव थी तो नाइन माइनस फाइव टू फोर देन थ्री देन जीरो देन नेगेटिव टू इससे हमने बिहेवियर ऑफ फोटो यूटिलिटी डिस्कस करना है यहां से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वी विल टेक हेल्प ऑफ द ग्राफ सो हाउ कैन वी प्लॉट दीज नंबर्स फॉर वन मैंगो दे हैव फाइव यूटिलिटी फॉर टू दे हैव नाइन

कुछ भी मैंगो नहीं खाए थे तो हमारी कोटलीटी थी नहीं हमने एक खाया तो हमें कुछ इजाफा में सेटिसफेक्शन मिली हमने एक से ज़्यादा खाए लेकिन एक लेवल के बाद हमारी ख्वाहिश ख़त्म होना शुरू हो गई और अब हमें सेट्सफेक्शन तो मिल रही लेकिन हमारी सेक्शन कंटिनसली तो बढ़ नहीं रही उससे कम होना शुरू हो गई तो ये एक बिहेवियर होता है इंसान का इससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रा करने में हेल्प मिलेगी और वो हम इसी के नीचे प्लॉट करते हैं अगर सो मार्जिनलिटी आपको मैंने बताया है कि वो एक यूनिट के बाद कैलकुलेट हो सकती है यानी कि इट विल नॉट बी कैलकुलेट ऑफ जीरो हम वन से कैलकुलेट करेंगे तो so वन पे आपकी मार्जिनलिटी फाइव है ओके फाइन प्लॉट कर देते हैं टू पे आपकी मार्जिनलिटी फोर है ओके देन अगेन वी कैन प्लॉट है थ्री पे आपकी मार्जिनलिटी बनती है थ्री ओके गुड एंड देन आपकी जो फोब मार्जिनलिटी बनती है वो बनती है जीरो इन दैट्स मीन के इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस और देन फिर आपकी जो मार्जिनलिटी बनती है फाइव पे वो इससे नीचे में आएगी यानी नेगेटिव टू सो वो आपके फाइव नंबर पे यहाँ पर आएगी सो so आपको ये एक किस्म का डाउनवर्ड ग्राफ मिल रहा है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर क्या है कि जब हम कुछ चीज़ों का इजाफा कर रहे होते हैं गुड्स का इजाफा कर रहे होते हैं हमारी टोटल यूनिटी में इजाफा हो रहा होता है और एक सर्टेन लेवल के बाद हमारी टोटल यूनिटी डिक्लाइन करना शुरू करती है इसके नतीजे में जो हमें हर अगले यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल यूनिटी वो डिफरेंस का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है सो so, हम नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट सेक्शन में हम बात को डिस्कस करेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है लेकिन हाउ कैन वी जज दैट कि जब हमारी एक आ, हमने मैंगो लिया हमारी फाइव यूटिलिटी थी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी यहाँ पर थी एंड देन टू पे हमारी माइजोरिटी इधर थी और ये हर दफ़ा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग करने के साथ यूटिलिटी इज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग एंड एट सम टाइम इट हैज़ बीन नेगेटिव समिवल टोटल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव क्योंकि वो अभी इस कॉर्डन से नीचे नहीं आई है so this is the just total about the total utility what is utility and marginal